Well, good morning, dear students of class 9. In part 2 series of atmospheric pressure, I welcome you back. Last time we discussed kiya tha ki atmospheric pressure jo hai barometer naam ki device se measure karte hain. And there are three types of barometers which we use: simple barometer, 14's barometer, and Android barometer. Android barometer, which uses no liquid, which is easy and more accurate in reading. It gives us direct reading and it is a portable, compact and portable barometer. 14 barometer and simple mercury barometer, they both use liquid. However, 14's barometer is little compact in comparison to simple barometer, and it has a mercury enclosed in glass as well as brass tube. So that makes it more safer to use, as well as no impurities can get into the mercury. Because we use open rough, so we may get some impurity into that mercury tub or the trough that we use, and which means that reading would not be accurate, it would be less. Now we also saw, because in we saw a little more detailed working where we saw that this atmospheric pressure jo hai is trough mein rakhe mercury ke upar padega aur hum ye pura 1 meter se zyada nahi leni hai to 90 cm ya 1 meter dono mein se ek aap choose kar lijiye hum ye test tube lenge theek hai isko pura mercury se fill kar lenge aur niche haath rakh ke and we will invert it उल्टा करके हाथ हटा देंगे तो व्हाट हैपन कि यहाँ पे मर्करी का वेपर प्रेशर जो कि जीरो होता है अप्रॉक्सीमेटली इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन और जब ये लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और इसके अंदर मर्करी की वजह से जो प्रेशर है इक्वल हो जाएगा तो ये फॉल करना बंद कर देगी तो ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे अभी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्रेशर व्हिच इज एच रो जी ठीक है रो डेंसिटी ऑफ मर्करी व्हिच इज 13,600 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लेस इज कांस्टेंट तो ये सिर्फ हाइट पे फिर डिपेंड करता है तो हाइट हम नोट कर लेते हैं इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमें मेजर करना हो तो कई बार हम मर्करी की हाइट जैसे हमने देखा था सी लेवल पे इट कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी तो ऐसे भी लिख देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ठीक है तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हम एक और यूनिट यूज करते हैं एटमॉस्फेयर तो वन एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 मिलीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ये सी लेवल का प्रेशर होता है विच इज टेकन एज वन एटमॉस्फेयर और हमने नोट किया कि सी लेवल पे जो अगर इसको कन्वर्जन करना है हमें एसआई यूनिट पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देन वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इनटू 10 रेज टू पावर 5 1,300 पास्कल्स के बराबर होता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट वी यू नो डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ऑल Now the question is, if atmospheric pressure exists, do we feel it? क्योंकि atmospheric pressure का मतलब ये है कि मेरे ऊपर approximately 1 lakh newton force act कर रही है 1 meter square area में ठीक है तो ये हमें feel हो रहा है क्या अगर होता है तो कैसे होता है और कब कब होता है सो बिफोर वी डिस्कस दैट लेट्स क्विकली सी अ लिटिल डेमो अबाउट हाउ कैन वी फील दैट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डू एग्जिस्ट ओके सो व्हाट वी हैव इज इफ वी टेक अ टिन कैन आप एक टिन कैन लीजिए ठीक है और टिन कैन जो लेना है उसका लिड होना चाहिए जो हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं
ठीक है, एक कैब लीजिए इन कैब, और उसमें हाफ से कम वाटर फिल कर लीजिए। अभी ये लेड खुला है, ठीक है, तो लेड इज ओपन, ठीक है। नाउ बिकॉज द लेड इज ओपन, दिस कैन नाउ हैज लिटल लेस देन 50% वाटर एंड दिस इज एयर, ठीक है, ये वाटर। अब इसके ऊपर बाहर से टिन कैन के ऊपर यहां से नीचे से हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर अंदर भी और अंदर से बाहर की तरफ इस फ्लूड की वजह से लगेगा प्रेशर वॉल्स पे, एयर क्योंकि मूव करती रहेगी तो वॉल्स पे प्रेशर इंसर्ट करेगी। अंदर का और बाहर का प्रेशर इक्वल है, इसीलिए जो आपका टिन कैन का शेप आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज कि आप इसको लिड को खुला रखा एंड वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग हीट टू दिस कैन फ्रॉम बिलो, ठीक है। हीट जब करेंगे तो एयर विच इज इनसाइड दिस टिन कैन विल एस्केप फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि एयर वार्म हो जाएगी, वार्म एयर राइजेस अप, वी ऑल नो दैट, एंड वुड एस्केप थ्रू द लिड क्योंकि लिड अभी ओपन है। एंड दिस वॉटर, सम ऑफ द वॉटर, उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर्स माने स्टीम, और वो इस एयर की जगह लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन, नो एयर नाउ, एयर की जगह यहां पे क्या आ जाएगी, स्टीम। स्टीम का प्रेशर वाटर से काफी ज्यादा होता है, रिमेंबर दैट। सो थोड़ा सा पानी जो स्टीम में कन्वर्ट होगा वो कॉम्पनसेट कर देगा और यहां पे वाटर रहेगा, ठीक है। स्टीम थोड़ा थोड़ा यहां इसकी जगह ले रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टीम अभी बाहर भी जा रहा है, कोई बात, पर हम हीट कर रहे हैं, ओके। अब वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो इक्वालिटी वाला कि प्रेशर बराबर है या नहीं है। नाउ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम एज बिफोर, बट नाउ द प्रेशर इनसाइड जो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है इज बिकॉज ऑफ वाटर जो थोड़ा कम हो गया है, प्लस स्टीम। स्टीम का प्रेशर वाटर और एयर दोनों से ज्यादा होता है, तो इट इज स्टिल कॉम्पनसेटिंग। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्विकली क्लोज दिस लिड, जब हवा बाहर निकल गई तो हम इसको क्लोज कर देंगे एंड वी आर स्टिल हीटिंग, ठीक है। तो लिड क्लोज कर दिया, प्रेशर यहां पे स्टीम है, वाटर है, वो बैलेंस हो रहा है, शेप उसका ठीक है। स्लोली वी टेक ऑफ दिस हीटिंग, लिड क्लोज है, हमने ये बंद कर दी और ऊपर से यहां से कोल्ड वाटर इस टिन कैन के ऊपर कोल्ड वाटर है। नाउ व्हाट वुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वाटर, टिन कैन के अंदर जो स्टीम है वो उसकी कोल्ड वाटर जब पड़ेगा दैट स्टीम वुड कन्वर्ट इनटू वाटर, वो अपनी स्टीम जो है हीट लूज कर देगी, वो ठंडी हो जाएगी ना जब कोल्ड वाटर डालेंगे, ठीक है। तो वो स्टीम वापस यहां पे वाटर बन के नीचे आ जाएगी, ठीक है, वो तो ठीक है वाटर बन के नीचे आ गई, पर ये स्पेस क्योंकि लिड अभी क्लोज है, दिस स्पेस वुड बिकम एम्प्टी और यहां पे वैक्यूम टाइप कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैक्यूम टाइप। प्रेशर आउटसाइड सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहां पे अंदर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से है, वाटर की वजह से, यहां पे कुछ है ही नहीं है, तो उसकी वजह से ये कैन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां से क्रश हो जाएगा। रिमेंबर व्हेन वी यूज अ कैन हम अपने हाथों से उसको क्रश नहीं कर देते, वैसा हो जाएगा। सो दिस क्लियरली शोज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दिस इज एन डेमो ऑफ दैट, ठीक है। नाउ क्विकली इफ वी लुक एट, हमने ये भी समझ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है,
बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां पे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. So let's study few points on that front as well. Like for example, sucking a drink is very easy with straw. How is that possible? This is possible due to difference in atmospheric pressure. Okay? Fortunately, I don't have a bigger straw. Now what happens if we take a cold drink, a bottle, le lijiye, a glass mein, and when you use a straw, so it's a little straw, to bada straw use karte hain. Ab dekhiye, यहां से बाहर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड में, और इस लिक्विड का अपना प्रेशर है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं जस्ट लाइक दैट सिंपल बैरोमीटर वी डिस्कस्ड. ठीक है, तो यहां से लिक्विड वाटर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका प्रेशर और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, आप स्ट्रॉ को अंदर ऐसे डालते हैं लिक्विड के अंदर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो ऐसे ही रखी है, और इस स्ट्रॉ के अंदर भी एयर है. ठीक है, तो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बीइंग बैलेंस आउट. नाउ व्हाट वी डू इज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ वी सक एयर फ्रॉम द स्ट्रॉ. लाइक जब हम ऐसे करते हैं सांस ऐसे जोर से अंदर लेते हैं, जो स्ट्रॉ के अंदर एयर है वो अपनी बॉडी में ले लेते हैं. अब स्ट्रॉ के अंदर हवा नहीं है, उसके अंदर क्या हो जाता है फिर, लो प्रेशर कंडीशंस. उसकी वजह से, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम है, तो लिक्विड जो है वो देखता है कि स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर हो गया, वो फट से झट से लिक्विड स्टार्ट्स टू मूव इनटू द स्ट्रॉ. And that is how we are able to drink. Same is the case when we use syringe. आपने देखा होगा कि होली के वो जो अपने आती हैं पिचकारी, तो when you push it, whatever if it is empty, तो air would move out the nozzle. And if it is filled with some water या color, जो liquid color आप use करते हैं, तो अगर आप उसको press करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा. And अगर आप उसको खींचते हैं पीछे तो क्या होता है, क्योंकि आपने प्रेस किया था तो अंदर अब लो प्रेशर वाला सीन है, तो जैसे आप पीछे खींचते हो उसमें स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, पर उस स्पेस के अंदर कुछ है नहीं है, तो आपने वो लिक्विड के अंदर डिप की होती है. ठीक है, बाल्टी के अंदर जैसे डिप की होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम है. ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो आपके पिचकारी के अंदर फिल होना शुरू. Same is the case with syringe. Same is the case with fountain, ink pen that we use. जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें से सारा कुछ बाहर निकल गया. जब भी आप छोड़ेंगे तो उसमें लो प्रेशर, उसकी वजह से लिक्विड स्टार्ट्स टू राइज अप. दैट इज व्हाट हैपेंस. ड्रॉपर का केस भी सेम है. वी यूज ड्रॉपर टू गिव मेडिसिन, टू लिक्विड मेडिसिन टू चिल्ड्रन, एक दो साल के, उनको पिल्स नहीं देते हैं, टैबलेट्स वगैरह. तो उसमें भी हम जब प्रेस करते हैं तो खाली हो जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो वो फिल हो जाता है. अगर हम ऐसे हवा में लेके ड्रॉपर ऐसे करेंगे प्रेस, तो हवा ही बाहर जाएगी, अगर उसको छोड़ेंगे तो हवा वापस फिल हो जाएगी उस ड्रॉपर में. पर अगर आप उसको मेडिसिन में, वो लिक्विड मेडिसिन में डाल देंगे, अगर आप प्रेस करेंगे, ठीक है, जब आप छोड़ेंगे उसको तो उसमें से मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन उस बॉटल में से, छोटी बॉटल में से ड्रॉपर में आ जाएगा. नाउ वर्किंग ऑफ सिफॉन. सिफॉन समथिंग लाइक, इफ यू लुक एट, कि अगर हमारे पास ऐसे दो प्लेटफॉर्म है, एक बीकर रखा हुआ है, एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल. ये हायर लेवल पे लिक्विड है या वाटर है, ये लोअर लेवल पे वाटर है. तो हम ऐसे क्या करते हैं, एक सिस्टम यूज कर सकते हैं कि ये हाई प्रेशर इसका है, इसका लो प्रेशर है. सो व्हाट वी डू इज द सिस्टम, ट्यूब सिस्टम इज यूज, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा क्योंकि हाइट का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लिक्विड प्रेशर की जो हाइट होती है, एच रो जी और एच रो जी, वो डिफरेंस होगा यहां पे.
ठीक है। अब यहां पे प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर है क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है, तो यहां से ये लिक्विड इसके अंदर फिल होता होगा ऑटोमेटिकली यहां पे आना शुरू हो जाएगा और यहां पे लोअर लेवल पे फिल होना शुरू हो जाएगा। एक तो वो सिस्टम है कि आप यहां से उठाओ इसको, यहां से ऐसे उल्टा कर दो, गिरता रहेगा। Get liquid or water from higher level to lower level. Now, the next one is action of rubber suckers. इसमें आपको ये समझना है जैसे ये board है, ठीक है? अब board और ये मेरे hand के बीच में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे इस space में क्या है? हवा। अगर मैं इस hand को आप close लेके जा रहे हैं board के, अब जो ये बीच की हवा जो है वो कम हो रही है, ठीक है? बट अब अगर ध्यान से अगर देखें, मेरे हैंड के इस तरफ जो हवा की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हवा की वजह से, वो इक्वल है, ठीक है? पर अगर मैं इसको लेके जाता रहूं, लेके जाता रहूं, लेके जाता रहूं, लेके जाता रहूं, यहां पे अब हवा मेरे हैंड और बोर्ड के बीच में कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और बिल्कुल ये कम। तो ऐसे आपके आपने देखे होंगे रबर सर्कल्स आते हैं जिनकी वजह से आप उसको देखें, आप विंडो पेन या वुड वगैरह की बनी चीजों पे अगर उनको ऐसे लगाएं तो वैसे चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर पे भी एक तो मैग्नेट वाली आती है पर एक दूसरी आती है, अगर हम उनको लगाएं तो वो चिपक जाती है उससे, ठीक है? किसकी वजह से चिपक जाती है? उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस तरफ से वो तो सेम है, फुल है, पर जैसे जैसे हम इसको पकड़ के इसके पास लेके जा रहे हैं जो ये स्पेस बीच में है हवा वाला वो कम होता जा रहा है। अब ये हवा कितनी है बस इस फ्रेम में और ये रबर सर्कल है इसके बीच में जो है सिर्फ इतना गैप है, उस गैप में हवा बहुत कम है जिसकी वजह से यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। जब वो ऐसे हम इसको रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये इसके साथ चिपका रहता है, इट्स स्टेज ग्लूड टू दैट विंडो पेन या ग्लास पेन, ठीक है? नेक्स्ट इज ओके। सो हाउ we have studied how to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure exists, application of atmospheric pressure, but how do it varies with altitude? Height के साथ atmospheric pressure कैसे vary करता है? तो ये दो factors आ जाते हैं। Atmospheric pressure में एक height का factor आता है, एक density of air. तो जैसे जैसे height बढ़ती है हमें पता है कि pressure जो है वो reduce होता है, ठीक है? They are linearly proportional to each other. और second जो चीज उसमें आती है जो thickness है, density of air, हमें पता है कि जैसे जैसे sea level पे maximum है and if we start to go up, the density of air starts to decrease, जिसकी वजह से pressure भी decrease करता है। तो in short, with increase in altitude or height, the atmospheric pressure decreases, ठीक है? और उसकी वजह से हम ये कॉमन कुछ चीजें हैं आप देखेंगे कि जो माउंटेनियर्स वगैरह हैं उनमें नोज ब्लीडिंग वगैरह होना कॉमन सी चीज देखी जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो तो सेम है। जैसे मैं यहां पे हूं अभी, तो मेरी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है और मेरे लंग्स में जो एयर है उनकी वजह से बॉडी के अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है? You know, it brings us to this question also, ki why we do not we feel that atmospheric pressure? So what happens? It is because of the pressure applied by fluid like blood and other fluids present in our body, plus pressure applied by air that are filled in the lungs, wo balance kar deti hai atmospheric pressure ko, and we don't feel it. But you must have heard in your family. कि फैमिली में कहीं हो आप नोट करोगे कि एल्डरली मेंबर तो स्पेशली होते हैं किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है कि बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है,
दैट इज बिकॉज कि अगर हमारा बॉडी का हाई बीपी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं करेगा बट जो हमारी बॉडी के अंदर जो है अगर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, अगर हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करना शुरू कर दे फास्टर रेट से, तो अगर हमारा अंदर प्रेशर बढ़ जाए और बाहर प्रेशर कम हो तो हमें वो फील होता है अंदर से बाहर की तरफ, तो वो आपका पेन या वो चीज़ जो है आपको फील होती है। पर सिमिलरली अगर प्रेशर कम हो जाए बॉडी का फ्लूइड का, ठीक है, लो बीपी जिसको हम कंडीशन कहते हैं, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है तो वो क्या करेगा, फिर आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर आपको फील होना शुरू हो जाएगा और यू विल स्टार्ट फीलिंग बॉडी एक, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो विद माउंटेनियर्स वगैरह इनके साथ कॉमन है ये चीजें, नोज ब्लीडिंग वगैरह होनी, इसलिए आपने एरोप्लेन में देखा होगा बिकॉज दे फ्लाई एट हाई ऑल्टीट्यूड, तो अंदर का जो कैबिन होता है जहाँ पैसेंजर्स वगैरह बैठते हैं वो प्रेशराइज होता है कैबिन, वहां पे जो अपना प्रेशर जहाँ क्या उसे बोलते हैं धरती पे जैसे सरफेस पे प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव एट हाई ऑल्टीट्यूड, द एयर बिकम्स थिन, प्रेशर डिक्रीजेस एंड वी वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ, इसीलिए द कैबिन्स आर प्रेशराइज जिनको हम बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के केस में भी आपने देखा होगा दे वेयर स्पेशल सूट्स। अब एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस में जैसे काम करना पड़ता है, स्पेस लिटरली मींस नो एयर, नो मैटर, नो पार्टिकल, वैक्यूम लाइक कंडीशंस, वेरी लो प्रेशर। तो अगेन एज ए टोल्ड यू, अगर हमारी बॉडी का अंदर का प्रेशर तो सेम रहेगा ना, अगर बाहर प्रेशर डिक्रीज होके जीरो हो गया है तो हमारी बॉडी, क्योंकि फ्लूइड लाइक्स टू ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो अपने नोज, ईयर्स, आईज में से ब्लड जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा लो प्रेशर की तरफ, स्पेस की तरफ, एंड वी विल डाई। सो दैट इज व्हाई दे वेयर स्पेशल सूट। अब सूट्स का कमाल क्या रहता है कि जो सूट होता है और बॉडी के बीच में एक एयर का एक फॉल्स लेयर बना देते हैं, तो अपनी बॉडी फील करती है कि बाहर एयर जो है वो है नॉर्मल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली, एंड वी रिमेन ओके। बट अगर कोई सूट में से कोई आप होल कर दो या एयर जो है उसमें से बाहर निकल जाए, देन दैट मे हैपन।